हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उम्मीद और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पोल्ट्री नॉलेज पे स्वागत है। तो दोस्त, आज पोल्ट्री का हमारा 26 दिन चल रहा है, डे 26। तो ये डे 26 में मैं क्या मैनेजमेंट कर रहा हूँ और क्या मेडिकेशन में कर रहा हूँ, ये बताने वाला हूँ इस वीडियो पे। और दोस्त, जैसे कि मैं हर लॉट में करता हूँ कि छोटा चिक्स उसको सॉर्टिंग करके मैं अलग स्पेस में रखता हूँ, उसका मैनेजमेंट मैं अच्छा करता हूँ और उसका मेडिकेशन मैं ज़्यादा पिलाता हूँ, जाके वो मतलब 35-40 दिन में आसपास आ जाए बड़ों के समान। तो ऐसे मैनेजमेंट मैं करता हूँ क्योंकि आपको ये फार्म में मिलेगा कि 100 के हिसाब से 8-10 ऐसा चिक्स आपको दिखने के लिए मिलेगा जो छोटा रहता है बहुत, और ये दिन ब दिन छोटा ही रहता है, मतलब बढ़ता नहीं। और ये जो चिक्स है, आपको पता होगा कि ये फीड इनटेक भी ज़्यादा करता है और उसका उतना मतलब जितना फीड इनटेक करता है उतना हिसाब का वो मीट नहीं दे पाता, क्योंकि वो इधर उधर ज़्यादातर के भागते रहता है और उसका डाइजेस्ट पावर जो है वो कम होने के वजह से वो भी मीट नहीं दे पाता। और इसका कारण से हम लोगों का जो एफ सी आर बढ़ जाता है। और आपको पता है कि ये जो मतलब पोल्ट्री बिजनेस है, ये बिज़नेस पूरा एफ सी आर के ऊपर टिका हुआ है। एफ सी आर अगर आप ठीक नहीं कर पाएंगे तो इससे आपका फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है, ऊपर से आपका नुकसान हो सकता है। तो आपको ये ख्याल में रखना चाहिए कि चिक्स जितना फीड इनटेक कर रहा है उतना जाके मीट दे। तो मैं इस चिक्स को ये विटामिन दे रहा हूँ, सुगुना का सूजी ग्रोमैक्स, तो ये विटामिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जस्ट ये चिक्स के लिए, क्योंकि ये हर मतलब चिक्स में देने से प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसलिए मैं ये छोटा चिक्स में ये यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे मैं हर लॉट में करता हूँ और मेरे को 35-40 दिन में ये जो छोटा चिक्स है ये मतलब समान हो जाता है बड़ों के मुकाबला, मतलब 2 किलो 2 किलो 100 करके आ जाता है। तो ऐसा मैनेजमेंट कर रहा हूँ मैं। और ये छोटा चिक्स एक्चुअली होता है इसलिए क्योंकि इसका इम्यूनिटी सिस्टम पावर बहुत कम है। आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि 2000 का अगर आपका फार्म है, फार्म में मतलब 2-3 दिन के बाद 2-3 ऐसा चिक्स मतलब डेड होके पड़ा रहता है, मॉर्टलिटी हो जाता है। ये एक्चुअली होता है ये छोटा चिक्स में क्योंकि इसका इम्यूनिटी पावर बहुत कम रहता है। इसका तुरंत सर्दी आ जाता है, तुरंत ठंड आ जाता है, इसका CRD वगैरह जो कुछ भी है इसमें आ जाता है। तो इसका अलग करके ट्रीटमेंट कीजिए जाके इसका इम्यूनिटी सिस्टम पावर जो है वो थोड़ा सा बढ़े और इसका कोई प्रॉब्लम ना हो, एवरेज जो ग्रोथ है वो दे दे। तो इसका कारण से आपका जो एफ सी आर घट जाएगा तो आपका प्रॉफिट आ सकता है। और मैनेजमेंट के बाद बोल दूँ तो मैं, जैसे कि आज हवा थोड़ा सा ज़ोर चल रहा है तो ऊपर साइड मतलब ऊपर साइड का तो पूरा खुला है, नीचे साइड का जो पर्दा मैं गिरा के रखा हूँ फिर भी नीचे थोड़ा बहुत करके छेद करके रखा हूँ, आप देख सकते जाके फ्रेश हवा अंदर आए और कुछ मतलब अंदर में ऑक्सीजन का कमी ना बने। क्योंकि आपको ये भी पता है कि ऑक्सीजन का कमी के कारण से एसआईटिस जो बीमारी है, मुर्गियों के पेट में पानी भरना, जो विंटर सीजन में जो आता है वो बहुत मतलब नुकसान करके चला जाता है। मतलब 25-26 दिन के बाद 1000 के हिसाब से आपको 5-6 ऐसा मिलेगा जिसका मतलब चिवाड़े पूरा फूल जाता है, पानी जम जाता है और उसका कारण से मॉर्टलिटी हो जाता है। तो ये गलतियाँ मत कीजिए। अगर आप नीचे वाला पर्दा को गिरा रहे हैं तो थोड़ा बहुत करके, जैसे कि मैं करके रखा हूँ, छेद करके रखे जाके उसमें मतलब ऐसा नहीं करना कि चिक्स में डायरेक्ट हवा आए, आप थोड़ा छेद करके रखे जाके फ्रेश हवा अंदर आए और ऑक्सीजन का अंदर में कमी ना बने। क्योंकि ऑक्सीजन का कमी के कारण से ये जो बीमारी है ये आता है। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि चिक्स 26-27 दिन का हो जाता है तब आपको साउंड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि मैं आज सुबह में घुसा फार्म में तो चिक्स जो है वो थोड़ा बहुत चिक्स चिक चिक करके साउंड कर रहा है, तो इसलिए मैं आपको पिछले वाला वीडियो में बोल दिया कि क्या स्प्रे करना है। घरेलू मेडिसिन स्प्रे कर दिया ऑलरेडी, वो है आपका गार्लिक का पेस्ट मैं इस्तेमाल किया। 1000 के हिसाब से मैं 200 ग्राम गार्लिक लिया और उसको पेस्ट करके पानी में घुल के स्प्रे कर दिया, जाके जो मतलब पानी का बूंद उसका नाक में जाए और नाक पूरा क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको ये भी देखने के लिए मिलता है कि अगर किसी चिक्स में सर्दी आ गया और फीड इनटेक करने जाएगा तो तुरंत मतलब गले में अटक जाता है, सर्दी के साथ वो जो फीड है वो गले में अटक जाता है और तुरंत घूम के चला आता है, तो फीड इनटेक नहीं करता और दिन ब दिन वो छोटा होता जाता है और उसका इम्यूनिटी सिस्टम पावर तो घट जाता है और वो मोर्टालिटी का अंदर चला जाता है। तो मैं तुरंत ये स्प्रे कर दिया। और जैसे कि 26-27 दिन अगर आपका चिक्स है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि CRD आने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। अगर
थोड़ा बहुत भी आपका फार्म में साउंड आ रहा है तो आप तुरंत मेडिकेशन कीजिए, जाके कुछ बात में प्रॉब्लम ना आए। अगर एक बार सीआरडी आ गया तो आपका फार्म का पूरा नुकसान। तो दोस्त मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ ये वाला वीडियो। वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाकर हर पोल्ट्री फार्मर भाई को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। और अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जाकर हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।